आप अपने यहाँ की बात कीजिए, एग्जांपल भी दे सकता हूँ। ना राष्ट्रीय चलन है, ना आपकी इतना बड़ा ज्ञान है, आप जहाँ पे हैं वहाँ की बात कीजिए, वहाँ के बारे में जो है जानकारी गलत दी गई है। ऐसी बात कर सर, नेशनल नेशनल उस पे है भाई, आप अपनी बात कीजिए ना, हम यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें। नमस्कार, मैं अफरोज खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी। आइए उनसे कुछ अल्पसंख्यकों के बारे में जानते हैं। आज उत्तराखंड में आए हैं, तो उत्तराखंड में ऐसा किस रणनीति से आए, क्या आगे की उनकी रणनीति रहेगी, क्योंकि इलेक्शन भी आ चुका है, साथ में यूपी का भी है, उत्तराखंड में भी है और तीन और जगह पे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सर पहले तो स्वागत है उत्तराखंड। धन्यवाद भाई साहब कि आप उत्तराखंड में आए हैं। उत्तराखंड में सर क्या रणनीति लेकर आए हैं अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक की ही बात करूँगा, आप अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रणनीति जो है वो लुटेरे की होती है, लूटना कैसे, हम तो सेवक हैं जी, जनता जो जो आदेश करेगी वो काम हम करेंगे। नहीं मतलब आपका इलेक्शन के टाइम पे आना, क्योंकि इससे पहले तो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आए और इलेक्शन अभी 6 महीने। हमारे यहाँ हम क्या समझे इस चीज़? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में चुनाव मुख्य एजेंडा नहीं है, हमारे यहाँ मुख्य एजेंडा है संगठन। संगठन के माध्यम से हम सेवा करते हैं और सेवा करने के लिए जो ताकत लगती है उसके लिए सत्ता की प्राप्ति करते हैं। ये संगठन का काम लगातार चलता रहता है। आज मैं उत्तराखंड में दिख रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं केरल में भी था जहाँ चुनाव नहीं है, मैं तमिलनाडु में भी था, आंध्रा में भी था, मैं तेलंगाना में भी था। तो ये जो प्रक्रिया हमारी है ये सतत चलती रहती है। संगठन को मजबूत करना, संगठन के लोगों से संवाद करना, क्या कमियाँ उनको दूर करना, ये प्रक्रिया लगातार है। हाँ, अब चुनाव भी यहाँ पर है, तो चूंकि हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं तो चुनाव में भी जाएंगे। जो हमने सेवाएं की हैं उन सेवाओं के लिए आशीर्वाद मांगने भी जाएंगे, हम सत्ता भी चाहेंगे क्योंकि हमें सेवा करनी है। तो जो हमने काम किए हैं कोरोना में, जो हमने लोंगले काम किए हैं, जब कोरोना चल रहा था तो आपने देखा होगा देश भर में जितनी पार्टियाँ हैं, जितने पार्टी के दल के नेता हैं, सब क्वारंटाइन थे, लेकिन जान को हथेली पर लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता काम कर रहा था, सेवा कर रहा था। तो आज तो हमें मौका मिला है। सर सरकार में भी तो आप ही हो ना, तो कौन करेगा? नहीं मैं सरकार की नहीं, मैं संगठन की बात कर रहा हूँ। सरकार तो अपना काम कर रहा था, सरकार के लोग तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थे। सरकार को ताकत देने के लिए ये सेवा का काम सबका था, लेकिन सब क्वारंटाइन थे, सब में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे थे। मैं सर आपकी यहाँ पे बात रोक रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि दूसरे लोग क्वारंटाइन थे, अगर मैं सीधा आपके पड़ोसी राज्य अपने जाता हूँ यूपी में, तो यूपी में ये देखा गया है कि जो भी लोगों की जिन लोगों ने सेवा करने की कोशिश करी उन पर या तो FIR दर्ज हुई है या तो किसी बारे मतलब मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आप बताइए कि कैसे सेवा करेगा कोई दूसरा? ये तो आप अपने यहाँ की बात कीजिए, एग्जांपल भी दे सकता हूँ। ना राष्ट्रीय चलन है, ना आपकी इतना बड़ा ज्ञान है, आप जहाँ पे हैं वहाँ की बात कीजिए, वहाँ के बारे में जो है जानकारी गलत दी गई है। ऐसी बात कर सर, नेशनल नेशनल उस पे है ये भाई, आप अपनी बात कीजिए ना, हम यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें। नहीं 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 सुनिए, क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, नेशनल सर है, नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग रहे हैं मुझसे, वहाँ किसके ऊपर FIR हुआ? जो लोग कोरोना में लोगों का शोषण कर रहे थे, जो वहाँ पर आपदा को अवसर मान रहे थे, उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की होगी, नहीं तो जो स्वयंसेवी संस्थाएं थे माननीय मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से सत्कार भी किया है। और इतनी बड़ी बड़ा प्रदेश, वहां पर जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा था, मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा, वो भी देवभूमि के सुपुत्र हैं, वो ये ऊर्जा यहाँ से लेकर गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोरोना को फैलने से रोका, कोरोना से मरने वालों को बचाया। माननीय मोदी जी ने जो काम दिया था उसको अच्छे से किया, इसके लिए तो देवभूमि के एक एक बच्चे को गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे। चलिए सर, आपके एक बात और अभी बोला कि हम क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल हैं, हम इतने बड़े, हम भी मानते हैं सर हम क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल हैं, हम यहाँ की बात करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं सर राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के तौर पर, आप अल्पसंख्यकों को यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुछ दिला पाएंगे सर, क्या बात रखेंगे इसकी? आप नाम दीजिए, उसकी योग्यता को तलाशा जाएगा और उसको जरूर टिकट दिया जाएगा।